खबर मंगलौर से है, जहां दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना सर्विस लाइन विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। दो साल से अधर में लटका सर्विस लाइन पर बना नाला रोजाना हादसों को दावत दे रहा है। जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। वहीं विभागीय लापरवाही का खामियाजा मासूम दो साल के बच्चे को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। देवभूमि प्रवेश द्वार से नेशनल हाईवे का 3 साल पूर्व चौड़ीकरण किया गया था, वहीं जिसमें मंगलौर कस्बे के हाईवे के साथ स्थानीय लोगों के लिए सर्विस लाइन का भी निर्माण करवाया गया था। सर्विस लाइन पर नालों का निर्माण किया गया, लेकिन 2 साल पूर्व ही नाले निर्माण के कार्य को अधर में छोड़ दिया गया। अधूरे नाले के कारण रोजाना राहगीर हादसे का शिकार होते हैं। नगरपालिका प्रशासन से लेकर नेशनल हाईवे विभाग की इन अधूरे निर्माणों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके कारण 2 दिन पूर्व ही 2 साल के मासूम बच्चे के साथ एक महिला नाले में गिर गई, जिससे उसके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं कस्बे में अधूरे पड़े नाले को लेकर कई बार स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार खामोश बैठे हुए हैं। नगर पालिका से भी शिकायत कर नाले के ठीक कराए जाने की मांग की गई है, लेकिन एक दूसरे विभाग की जिम्मेदारी थोप कर पल्ला झाड़ते रहे। अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने बताया है कि हम कई बार नेशनल हाईवे से नाले निर्माण को लेकर वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नाले निर्माण को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। जल्द ही विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां नेशनल हाईवे और नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनवाई नहीं है। बार बार कहते हैं तो कोई सुनते नहीं, पर अपना अपना पल्ला सब झाड़ देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक 2 साल का मासूम बच्चा उस नाले में माँ के साथ गिर गया था। पालिका कहती है हाईवे की जिम्मेदारी है, हाईवे वाले कहते हैं नगर पालिका की जिम्मेदारी है। पहली बात तो यह है कि बस स्टैंड के पास हाईवे वालों ने उस नाले को कम्प्लीट नहीं किया। मेन बाजार से जब हाईवे पे निकलते हैं वहां से भी नाला अनकम्प्लीट है। इसलिए नेशनल हाईवे के स्वामित्व में है, और उसके लिए हमने उनको जो बार बार हमने पहले भी संपर्क किया, चिट्ठी लिखी थी कि जहां जाए नाले ऐसे खुले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए या नगर पालिका का हैंडओवर किया जाए, तो उसके लिए हम दोबारा फिर उनसे संपर्क कर रहे हैं कि भविष्य में जो जनहानि यहाँ हुई मंगलौर में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई व्यवस्था करी जाए।